तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएल टीच में। आज जो है मैं क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये पार्ट टू है हमारा। पार्ट वन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर पार्ट वन देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता तथा फॉर्मलता को समझाइए। तीसरा है, गुणित अनुपात के नियम के उदाहरण सहित समझाइए। चौथा है, जॉन डाल्टन के सिद्धांत की विशेषता तथा कमियां लिखिए। पांचवा है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। छठवा है, संक्रमण तत्व कहने कहते हैं इनकी विशेषताओं को लिखिए। सातवा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से दी आवर्त सारणी श्रेष्ठ क्यों है? नहीं, ठीक है, नहीं है ये। आठवा है, आपवाहु का सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। नवा है, हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है? दसवा है, सिग्मा और पाई में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन डबल आ चुका है, हाइड्रोजन बंध वाला। बारहवा है, बॉयल चार्ल्स गेलुसाकी एवं अवोगाद्रों का नियम लिखिए। तेरहवा है, अनुनाद से आप क्या समझते हैं। चौदहवा है, आदर्श गैस व अनादर्श गैस में अंतर। पंद्रहवा है, सिद्ध करो कि डेल एच बराबर डेल ई पी डेल प्लस डेल बी। सोलहवा है, पी एच मान परिभाषित कीजिए व व्यंजक स्थापित कीजिए। सत्रहवा क्वेश्चन है, संयुग्मी अम्ल संयुग्मी चार से आप क्या समझते हो। अठारहवा है, ब्रॉन स्टेड लॉरी अम्ल चार सिद्धांत लिखिए। उन्नीसवा है, अर्थवा पैरा हाइड्रोजन क्या है। बीसवा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग लिखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।